सेक्टर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए। कल रात कुछ आतंकी नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। फायरिंग में 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 1 जवान जख्मी हो गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल के अलावा कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते के अंदर कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। 26 जुलाई को भी नौगाम सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए थे। 1 आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली को जिंदा पकड़ा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक सभी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। NIA से पूछताछ के दौरान सैफुल्ला ने भी कबूल किया था कि वो लाहौर का रहने वाला है। पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जो हालात वैली में इस वक्त हैं, उनका वो पूरा फायदा उठाए, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाए और यहाँ पे वो पॉट को बॉइलिंग रखे। तो मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कोशिश करेगा और हम और मार गिराएंगे। आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली ने हाफिज सईद से मुलाकात की बात भी कबूल की है। पठानकोट एयरबेस अटैक के मामले में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत मिला है। अमेरिका ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को 1000 पत्रों का डोजियर सौंपा है। डोजियर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कासिफ जान और 4 आत्मघाती हमलावरों के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। पठानकोट हमले के दौरान जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी लगातार 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंट सौंपे उसमें जैश के आतंकियों की बातचीत की डिटेल के अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट की जानकारी भी है। पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों ने मुल्ला दादुल्लाह के फेसबुक अकाउंट से जुड़े नंबर पर भी फोन किया था। पठानकोट हमले की जांच के लिए NIA ने अमेरिका से चैट और अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी थी। अमेरिका को अब बजाय डोसियर इशू करने के प्रतिबंध लगाए और तभी पाकिस्तान पे कुछ पॉलिसी में परिवर्तन हो सकता है। नाउ द एविडेंस गिवन बाय अमेरिका विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज केस, बट द फैक्ट रिमेंस वेदर पाकिस्तान एक्सेप्ट्स इट और नॉट। पाकिस्तान में स्टिल से दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट्स। ये सबूत भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रेटी के तहत सौंपे गए थे। इन सबूतों के आधार पर ये तय होगा कि इस हमले में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी। उत्तराखंड में BJP नेता और हरीश रावत सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले हरत सिंह रावत पर रेप का आरोप लगा है। 32 साल की पीड़ित महिला ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि हरक सिंह रावत ने सितंबर 2013 में दिल्ली के ग्रीन पार्क में अपने घर पर उसके साथ रेप किया। पीड़ित महिला असम की रहने वाली है। उत्तराखंड की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हरक सिंह रावत पर लगे आरोपों पर निशाना साधा है, तो वहीं BJP ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। कांग्रेस में थे तो हम लोग उनसे मर्यादा और मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा रखते थे और उन्होंने उस पर ध्यान भी दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं। हर बार जब कभी भी आरोप लगाया गया तो आरोप झूठे साबित हुए। इस बार भी शायद आरोप हो सकता है उसी प्रकार से लगा हो, लेकिन फिर भी कोई FIR हुई है उसके बारे में मेरिट पे तो कोई कमेंट करना पॉसिबल नहीं। इससे पहले भी हरक सिंह रावत रेप और छेड़खानी के आरोपों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। 2014 में भी एक महिला ने सफदरजंग थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। 2003 में भी हरक सिंह रावत पर एक महिला ने काम दिलाने का झांसा देकर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था। CBI की ओर से केस दर्ज होने के बाद हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हरक सिंह रावत उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। यूपी BJP के सस्पेंडेड नेता दयाशंकर सिंह की जमानत पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। आज होने वाली सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टली। दयाशंकर सिंह फिलहाल जेल में हैं। कल बिहार के बक्सर से दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जहां CJM कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। CJM कोर्ट की कार्यवाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ वकीलों ने रात के करीब 8 बजे कोर्ट लगाकर दयाशंकर सिंह को जेल भेजने पर सवाल उठाया है। वकीलों ने पूछा है कि आखिर कौन सी इमरजेंसी थी कि रात में अदालत लगाई गई, जबकि पुलिस के पास पेशी के लिए 24 घंटे का वक्त था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शाम को जो है दयाशंकर सिंह की जो
रिमांड आया, पुलिस पकड़ कर एसटीएफ ले आई है, तो शाम को जो रिमांड तो बना नहीं, और 10 बजे रात को यहाँ का सीजीएम किस आदेश से किसके दबाव में अदालत खोल कर उसका रिमांड लिए हैं और जेल भेजे हैं। तो ऐसे अधिकारियों का हम विरोध करते हैं, और हमको तो ये लग रहा था कि ये अदालत भी जो है शासन के जो है दबाव में काम कर रही है, तो ये कतई अधिवक्ता समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, हम इसका घोर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया था। हमारे साथ खुद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी हैं। सर, जिस तरह से हम लोगों ने देखा, जिस जो कुछ भी राहुल जी ने सवाल जवाब किए, इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद किस तरह का चेंज आप देख रहे हैं? कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्या क्या कहें? देखिए, चेंज जहाँ तक है वो तो कल ही नजर आ रहा था कि जो जनता में और खासकर जो कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता जो एकजुट होकर उन्होंने अपना जो एक प्रदर्शन किया या ये बताया कि अब कांग्रेस जो है वो एक है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बनारस में आपकी चेयरपर्सन सोनिया जी खुद रोड शो करने वाली है, उसको लेकर क्या अभी कोई रूपरेखा तैयार हुई, फाइनल हुआ है? वहाँ पर माँ गंगा का आशीर्वाद है, वहाँ भगवान काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है, तो ये उस आशीर्वाद के साथ में वो हमें आगे प्रेरणा के स्रोत वहाँ पर आ रही हैं, और वहाँ की जनता से भी आशीर्वाद लेके हमें ये प्रेरणा देंगी कि हम भी इसी तरह जाके लोगों से, जनता से, उत्तर प्रदेश जनता से आशीर्वाद लें। सर, सिर्फ रोड शो का कार्यक्रम है या और भी कोई कार्यक्रम? रोड शो नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में जाने का है। जिस तरह से राहुल गांधी ने लखनऊ में मोदी जी को टारगेट किया, उसके बाद अब खुद मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी लोगों से मुखातिब होंगी, उनके बीच जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे राकेश का ब्रसेल्स में निधन हो गया है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद बेल्जियम के एक अस्पताल में राकेश को भर्ती करवाया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी वहीं मौजूद हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 39 साल के बेटे राकेश का बेल्जियम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। राकेश के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। सिद्धारमैया के दो बेटे हैं। राकेश दोस्तों के साथ बेल्जियम घूमने गए थे। बिहार के कटिहार में बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने वाले विधायक महबूब आलम पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। 28 जुलाई को CPI माले के विधायक महबूब आलम समर्थकों के साथ इलाहाबाद बैंक की ग्वाल टोली ब्रांच पहुंचे। इसी दौरान किसी बात पर नाराज होकर महबूब आलम ने ब्रांच मैनेजर राकेश रंजन को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, राकेश रंजन के मुताबिक विधायक आलम ने समर्थकों से बैंक मैनेजर को बाहर खींच कर लाने को भी कहा। राकेश रंजन का आरोप है कि इसके बाद विधायक ने बैंक को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। वो कहने लगे कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो, और उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया। इसके बाद वो अपने लोगों से मुझे बाहर घींच कर ले जाने को कहा, और उन्होंने कहा, आदेश दिया, अपने लोगों को आदेश दिया कि इसे बाहर घींच कर ले चलो, वहाँ इसे मारेंगे। इसके बाद कुछ देर के बाद जब वो बाहर चले गए, बाहर से ही शाखा को बम से उड़ाने की धमकी देने लगे। बैंक मैनेजर राकेश रंजन के मुताबिक MLA महबूब आलम उनकी कुर्सी पर बैठना चाहते थे। विरोध करने पर विधायक महबूब आलम ने राकेश रंजन को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि CPI ML के विधायक महबूब आलम इससे पहले भी दूसरे बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट कर चुके हैं। हरियाणा के जज्जर में दिल्ली पुलिस के 4 कर्मियों पर हमला कर बदमाश हत्या के आरोपी को छुड़ा ले गए। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को बहादुरगढ़ के सांखोल गांव के पास अंजाम दिया। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल से हत्या के आरोपी जितेंद्र को हरियाणा के नरवाना कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस के 4 जवान दिल्ली बस अड्डे से हरियाणा रोडवेज की बस पर सवार हुए थे। पुलिस के मुताबिक जैसे ही बस बहादुरगढ़ के सांखोल गांव के पास पहुंची, दो गाड़ियों में सवार करीब दर्जन भर बदमाशों ने रोडवेज की बस को ओवरटेक कर रुकवा दिया। इसके बाद बदमाश बस में सवार हुए और पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर असलहों के दम पर जितेंद्र को छुड़ा ले गए। बदमाश दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से एक हथियार भी छीन ले गए, इसके लिए उन्होंने फायरिंग भी की। आरोपी जितेंद्र पर हत्या समेत कई संगीन आपराधिक मामले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज हैं। फिलहाल बहादुरगढ़ और दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। असम इस वक्त बाढ़ से बेहाल है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया।
गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बाढ़ प्रभावित जिलों में हालात का जायजा लिया। उन्होंने रावत शिविरों का भी दौरा किया। असम में बाढ़ में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुझे यह कल्पना नहीं, बाढ़ के कारण असम में इतना गंभीर संकट पैदा हो गया है। मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार बाढ़ के कारण लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई है। एक सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर 28 से अधिक जिले प्रभावित हैं। 36-37 लाख जनता प्रभावित। समय एनडीआरएफ की 60 नौकाएं लोगों की जिंदगी को बचाने में लगी हुई है। असम की राज्य सरकार ने जो विक्टिम्स हैं, यानी जिनकी जाने गई हैं, उनके परिवार के लोगों को तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई है। केवल लोगों को ही नहीं, जानवरों को भी बाढ़ में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक काजीरंगा पार्क में बने 130 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ में अब तक 7 गैंडों समेत 25 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना बाढ़ से प्रभावित आबादी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जिला प्रशासन की मदद कर रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश से अब आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते चारधाम यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में लैंडस्लाइड से गोपेश्वर कॉलेज का एक हिस्सा ढह गया है। कॉलेज कैंपस में खड़ी दो कारें मलबे में दब गई हैं। चारधाम यात्रा के रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं कुमाऊं के पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। वहीं खटीमा में बारिश के चलते लोग मुश्किलों में हैं। बारिश की वजह से खटीमा में सड़कों पर पानी भर गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। खटीमा के सरकारी अस्पताल में 3 फुट से ज्यादा पानी भर गया है। अस्पताल की एक्सरे मशीन समेत कई उपकरण बारिश के पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में एक बार फिर से तेज बारिश की मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूनिटेक डेवलपर्स के प्रमोटर्स का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के अलावा डायरेक्टर राणा राजेश के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी के मामले में ये आदेश दिया है। दरअसल यूनिटेक ने 2007 में नोएडा के सेक्टर 96 में गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये लग्जरी प्रोजेक्ट था जिसकी एक अपार्टमेंट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी। यूनिटेक ने यूजीसीसी प्रोजेक्ट में 600 बायर से 1500 करोड़ रुपए लिए, जबकि एलआईसी से 180 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को केवल 483 करोड़ का भुगतान किया। बायर्स ने कोर्ट से आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने की गुहार लगाई ताकि विजय माल्या की तरह ये भी देश से भाग न सके। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू सेल ने जांच के बाद साकेत कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने का आदेश सुनाया। मध्य प्रदेश के देवास में अवैध रूप से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को कोर्ट ने 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। 29 साल का पाकिस्तानी नागरिक अकबर शाह दुर्रानी वीजा खत्म होने के बावजूद देवास में रह रहा था। दुर्रानी को पिछले साल 8 अगस्त 2015 को सिटी कोतवाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अकबर के पास 11 जुलाई 2015 तक ही भारत में रहने का वीजा था, लेकिन वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अकबर अपनी पत्नी के साथ देवास में रह रहा था। अब कोर्ट ने पाक नागरिक को सजा सुनाई है। एक पाकिस्तानी नागरिक जो है अगस्त में 8 अगस्त 15 को बिना वीजा के देवास क्षेत्र में कोतवाली थाने में पाया गया था। अब्दुल शाह दुर्रानी, इसके पास में वीजा वैलिड नहीं था, अतः इसे 1 वर्ष का कारावास न्यायालय द्वारा दिया गया। पुलिस को इस बात की खबर मिली जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 15 अगस्त से गुजरात में टोल टैक्स पे छोटी गाड़ियों पे टोल नहीं भरना पड़ेगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक अहम घोषणा की है। गुजरात की सीएम ने कहा है कि 15 अगस्त से छोटे व्हीकल्स को गुजरात के किसी भी टोल नाके पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें कार और थ्री व्हीलर भी शामिल हैं। गुजरात में काफी समय से कार और छोटी गाड़ियों पर टोल टैक्स हटाने की मांग उठ रही थी। गुजरात सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। गुजरात सरकार ने टोल टैक्स की अवेज में बेटरमेंट टैक्स लगाने का भी सोचा है। नीतीश सरकार बिहार में मिठाई पर टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने मिठाई दुकानदारों को नोटिस थमा दिया है। विपक्ष इसको लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है तो सरकार दलील दे रही है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग पैटर्न जो बदला है, जिसके वजह से रिसोर्स गैप कई तरह के बढ़ रहे हैं बिहार में। ये सरकार को यदि अपने राजस्व बढ़ाना है तो उसके लिए अन्य उपाय करने चाहिए, अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, न कि आम जनता पर करों का बोझ बढ़ाना चाहिए। पहले ही जनता करों के बोझ से दबी हुई है। मिठाई दुकानदारों और आम लोगों को सरकार की दलील समझ में नहीं आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार लोगों पर टैक्स का कितना बोझ डालेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शराबबंदी की भरपाई नीतीश सरकार मिठाई पर टैक्स लगाकर पूरा करेगी। कर्नाटक में आज जमकर हंगामा हुआ। बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में महानई नदी पर ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल गोवा में बहने वाली महादई नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद में ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद लोग सड़कों पर उतरे और विरोध किया। ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को महादई नदी का पानी देने से इनकार कर दिया था। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर पहाड़ियों से निकलने वाली महादई नदी के पानी से गोवा के घरों तक पीने का पानी पहुंचता है। नदी का जो पानी बचता है वो समुद्र में जाकर बर्बाद हो जाता है। कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य से मांग की कि जो पानी बर्बाद हो रहा है उसे अगर कर्नाटक को दे दें तो इससे कर्नाटक के 5 जिलों में पेयजल संकट दूर किया जा सकता था, लेकिन गोवा सरकार ने इनकार कर दिया। तो क्या कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। दिस इज द टाइम टू गेट यूनाइटेड ऑल पार्टीज एंड गो टू नरेंद्र मोदी एंड रिक्वेस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर अवर कर्नाटका। मामला कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल में भी कर्नाटक की हार हुई। इस फैसले के बाद पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज पहली बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग यानी पीटीएम का आयोजन हुआ। दिल्ली के करीब 1000 सरकारी स्कूलों में एक साथ आज पीटीएम मीटिंग का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पहली बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जोश बच्चों और अभिभावकों में पूरी तरह से देखने को मिला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये पहल की है। दिल्ली सरकार ने इस विशेष पीटीएम प्रोग्राम के लिए अलग बजट भी तय किया है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय के सभी डिस्ट्रिक्ट और जोनल ऑफिसर को भी निर्देश दिए हैं कि आगे से अब हर शुक्रवार को 12 से 1 बजे का वक्त सिर्फ पेरेंट्स से मिलने के लिए रखा जाए, ताकि पेरेंट्स को छात्र और स्कूल से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए भटकना ना पड़े। पूरे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया है और सरकार ने एक ही दिन दिल्ली के 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स को बुला के एक नया प्रयोग किया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और आप खुद देख रहे हैं कि बहुत उत्साह है पेरेंट्स में भी, उनको भी लग रहा है कि टीचर्स हमसे बात करना चाहते हैं, उनके मन में भी टीचर्स से बात करने की कुछ इच्छा रहती है और प्रिंसिपल्स के मन में भी रहता है कि पेरेंट्स से फीडबैक मिले। तो सब मिला के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी सुबह से 6-7 स्कूल्स में गया हूँ और इसी तरह के प्रयोग हम लोग आगे भी करते रहेंगे ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी हो सके और फिर पेरेंट्स को मजबूर होकर अपने बच्चों को महंगी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेजना। दिल्ली के करीब 1000 सरकारी स्कूलों में एक साथ पीटीएम मीटिंग का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के धार में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि यहां बच्चों से राशन से भरी बैलगाड़ी खिंचवाई गई। मामला धार के तेवलई गांव के भारतीय आश्रम का है। यहां हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को राशन लाने के लिए बैल की तरह खुद जुतना पड़ता था। दरअसल हॉस्टल में राशन लाने के लिए स्टाफ नहीं है, लिहाजा हॉस्टल मैनेजमेंट ने यहां पढ़ने वाले मासूम बच्चों पर ये जुल्म ढाना शुरू कर दिया। राशन लाने के लिए बच्चों को खुद आधा किलोमीटर तक बैलगाड़ी खींच कर लानी होती है, तब जाकर उन्हें राशन मिलता है। खबर के सामने आने के बाद इलाके के बीईओ अनिल व्यास मामले की जाँच
के लिए टिवलई गांव पहुंचे। बीईओ ने इस मामले में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और बच्चों से पूछताछ की। इसमें बच्चों से बैलगाड़ी से सामग्री खिंचाई जाती है, तो उसी तारतम्य में जांच करने के लिए मैं भी आया था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। वाराणसी में रेसलर नरसिंह यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। नरसिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय के बाहर धरना दिया। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी नरसिंह यादव का समर्थन किया है। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में भी प्रदर्शन की बात कही गई। हम प्रार्थना यही करते हैं, भगवान से यही मनाते हैं कि हमारे नरसिंह बेटा को ओलंपिक तक जाना चाहिए। प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि इसका निर्णय करके उनको डिग्री करना चाहिए। हमारे लोगों को वहाँ पढ़ने नहीं दिया जाता, हमारे पूर्वांचल के लोगों को हमेशा दबाया जाता है और उसका ये परिणाम है कि उसको डोपिंग में फंसाया गया है। हम सब लोग आज उनके परिवार के साथ खड़े हैं। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम डोप टेस्ट किया था। पहले नरसिंह का ए सैंपल पॉजिटिव आया, बाद में बी सैंपल में भी वो फेल हो गए। नरसिंह ने मामले को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। नरसिंह ने FIR भी दर्ज करवाई। एक जूनियर पहलवान पर खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने का आरोप लगाया है।